बस ठीक उसी तरह, नहीं सॉरी मैं तो सिर्फ आप ये कॉफी पीजिए, मैं जानता हूं आप कॉफी पीती हैं। मैं नहीं पता है, बचपन में कभी कभी मैं आपके लिए कॉफी बनाया करता था, बस उसी तरह जैसे आपको पसंद हो ये वैसी ही है। लीजिए लीजिए भाऊ जी, मैं आपको 100 बार समझा चुका, ये काम औरतों का है, उन्हीं को करने दीजिए। आदमी घर का काम करे रईसों को शोभा नहीं देता। आपको पता नहीं, आपको किसी खूबसूरत लड़की का फोन कर रहा है। रोल इसीलिए फोन कर तो रोलिंग एंड एक्शन। भाऊजी मैं 100 बार समझा चुकी, ये काम औरतों का, उन्हीं को करने दीजिए। आदमी घर का काम करे रईसों को शोभा नहीं देता। और ये कॉफी ले जाइए, मैं नहीं पी सकती। वही नहीं, ये कॉफी मैंने नहीं, रानी नहीं बनाई है, मैंने तो सिर्फ आपके हिसाब से थोड़ी कॉफी और डाल दी है बस। इस बीच में कब रख दो। ये कॉफी मैंने नहीं, रानी ने बनाई, मैंने तो बस आपके हिसाब से थोड़ी और कॉफी डाल दी। और फिक्र मत कीजिए, ये कॉफी पीने से आपके कोई नियम नहीं टूटेंगे। हाँ काटोगे तो पाटले पकड़ो। हाँ हाँ ठीक, पहले मैं तो कन्विंस कर लूँगा। लेकिन शंकर रेडी? हाँ ये पेस्ट का ओके। शंकर टिका टिका काटो, इसको काटो, काटो रोलिंग, थोड़ा सा टाइम लेके रोलिंग एक्शन। मैं थोड़ा हाँ ये दोनों पैसों पेन रखिएगा और सोजन दिखिए आते हुए। शकर नीचे टिल्ट डाउन कर, वो आपने थार हटाया था ना भाई, ना धागा तोड़ो तेरी। तुम लोग ना भाई दो बार एक्शन सेटअप। मैम कॉपी हाँ इन हो रहा है, आप सडनली रियलाइज सोजल आइए तो ना हो जाए। कर गए कॉफी को लेकर गुस्से में नहीं हूँ, ये कॉफी के पीछे कहानी है कि मुझे पसंद नहीं है कि मर्द किचन में जाए औरतों के काम करे कॉफी बना के लाए, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। कॉफी से गुस्सा नहीं, इनसे गुस्सा हो। प्रायश्चित कर रही हूँ मैं, बिना चप्पल के घूमना है मुझे, तो उस वजह से पैर में छाले पड़ गए हैं। तो घर में आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं है? बहुएं हैं, सब लोग हैं, ऐसे कुछ नहीं है, बट कुछ काम खुद करने चाहिए, उनमें से एक ये है। किसको? नहीं बहू को कुछ नहीं कहा है मैंने, मैं नौकरानी को बोलती हूँ कि चाय ठंडी हो गई है, तो ये चाय कॉफी के लिए सवाल पूछ रहे हैं अभी।
देखिए ये विनायक अग्निहोत्री जो है वो सबसे छोटा अग्निहोत्री फैमिली में, मतलब निरंजन अग्निहोत्री का छोटा भाई है, हमारी भाभी है और एक बहुत ही स्वीट रिलेशनशिप है, जैसे एक माँ बेटे को होता है। और बड़ी भाभी बचपन से जैसे महाराष्ट्रन फैमिली में होते आया है कि बहुत जल्दी शादी हो जाती है, तो ये बचपन से उसे देखते आया है और उनकी सारी आदतें उसे पता है। और अब जाकर जब सरकमस्टेंसेस की वजह से जब वो कुछ चेंज हुई है तो उसकी वजह से ये चीज़ विनायक को अच्छी नहीं लगती और इसलिए वो भाभी से ये बात कहता है कि ये कॉफ़ी की बात छेड़ के कि कुछ चीज़ें आपको पसंद है लेकिन आप करना नहीं चाहती, क्यों? आज के सीन में वही जो आपने देख रहे हैं, आप शो देखिए, पूरा सीन शो सब समझ में आएगा। उसमें ऐसा है कि आपके जो जितने भी आप कैरेक्टर्स देखेंगे आपको एक सीन से पता नहीं चलेगा कि वो क्या क्यों और कैसे कर रहे हैं। जब आप पूरा शो देखेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि हर एक कैरेक्टर की ब्रीफिंग, हर एक कैरेक्टर की वीविंग उस तरह से हुई है जिस तरह से आप एक कोई फिल्म देख रहे हो जिसमें हर एक पहले ही सीन से आपको पता चल जाए कि ये कैरेक्टर ऐसा ही है और उसे डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैसे ही डायरेक्ट किया गया है और आगे भी जितने भी सीन्स आएंगे वो वैसे ही आएंगे। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग इस प्यार को क्या नाम दूँ। एक सीन से नहीं पता चलेगा क्या चल रहा है क्या नहीं, आपको शो देखना पड़ेगा। वो थोड़ी ना बताऊंगी मैं क्यों बताऊंगी, मेरे व्यूअर्स को देखना चाहिए खुद ही। अगर बता देंगे तो फिर सस्पेंस एलिमेंट नहीं रहेगा, लेकिन इतना है कि जो करंट सीन्स आ रहे हैं वो सीन से आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि अब ये कैरेक्टर ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है।